भयंकर रात्रि में महाझंझावात वर्षा हो रही है और बिना किसी को लिए चल आपसे मिल रहे अभिशार करो। तयो चलल धनी दुव गुण मने गुण, उतना भयानक कष्ट में भी प्रिया जी आपके एक एक गुणों को कीर्तन करती हुई श्याम सुंदर के गुण की महिमा का गान करते हुए प्रिया जी चल। तसु साहस नहीं सीमा, उस नारी की कोई सीमा का अंत नहीं है, ऐसा प्रेम आपसे। वह प्रिया जी जो भीत पर यदि नागराज का फोटो देख लेती तो डर जाती, सांप के फोटो देख करके डर जाती, लेकिन रास्ता में चलती है तो नाग पैर लपेट लेते, रास्ते में चलते समय सब पैर लपेट लेते और पैर को बांध लेता है तो नूपुर की आवाज नहीं मानती है तो सांप को दुहाई देती है, धन हमको आवाज बंद कर। यहाँ तक कि अंधेरी रात है, थोड़ी सी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो नाग के ऊपर का जो मणि दिखता है मणि तो उसे प्रकाशित हो जाता है, तो उसको भी ढंग लेती है इस प्रकाश में कोई देख न ले कि मैं अभिशाप कर सकता, देखिए ऐसा कौन कर सकता। शेर सुबदनी करे झपई तो फानी मनी बिहसी आई लतु आकाश, अभिशार में इतना भयंकर बाधा को भी हंसते हंसते सह करके आपसे मिलने के लिए, इस जगत में ऐसा कोई नारी साहस कर सकती है। फिर भी नियपउ परिहरी संतर विषम न दे, अपने पहु को अपने पति को घर में छोड़ दिया और आपके प्रेम में मतवाली होकर के चल दी, भयानक नदी नदी है उस नदी को पार की, और नदी ही नहीं जो उज्जवल उनका कुल कीर्ति था जिनके कुल में थी उस कुल के कीर्ति को भी फेंक करके आए, बदनाम होने का भी डर नहीं। तू अनुराग मधुर मधुमान है प्यारे, आपके अनुराग से वो मतवाली हो गई, किछु न गुनल वर्ण है, तो कहीं भी किसी स्थिति में कुछ नहीं देखा। रस रसिक विनोदक बिंदक, विद्यापति जी कह रहे हैं कि हे रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, आप ही इस रस को समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है, प्रिया जी के अभिशाप को कौन समझेगा। काम प्रेम दू एकमत वैभव, एक तो आपकी आपसे उसको इतना प्रेम है कि उस प्रेम के आगे अपने कुल मर्यादा अपने शरीर की बाधा सब कुछ को छोड़ दी है और छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आ गया, ऐसी ऐसी स्थिति इसकी हो गई। और उस समय प्रिया जी थक गए, अभिशाप में आते आते पानी में चलने में बहुत जल्दी थकान हो गई, पानी में चले हैं कोई आती नहीं, कितने इतने पानी में पानी है उसमें चलना है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। अब प्रिया जी की देखिए अभ्यास, चंडीदास तो लिखे हैं कि प्रिया जी अपने घर में जावट में घर पर कांटा रखती उस कांटे पर चलती, फिर रात में तो कांटे पर चलना पड़ेगा तो अभिशार का अभ्यास करती, घर में पानी डाल देती और पानी में कैसे चला जाता है इसकी अभ्यास करते, इतना कोई कौन कर सकता है। श्याम सुंदर से मिलने के लिए चलती क्षणम चरण विच्छेदा ईश्वरे प्राण हारे, और उस समय मंजरियां आकर के प्रिया जी के चरण दबाती और एक सेकेंड के लिए भी उनकी चरण सेवा नहीं मिलती है। पादा रविंद्र संलग्न तवई बाह निशस्तिरा, एक क्षण भी यदि नहीं सेवा मिलती है तो पागल हो जाती, यही मंजरियों का स्वरूप है। वृंदावन महिमामृत में लिखा गया है कि राधा पदार्थ सेवा स्पृहा कालत्रयोजिता, सेवा में मंजरियां
सेवा के अतिरिक्त कुछ भी स्पृहा नहीं करते, केवल सेवा का लक्ष्य है प्रिया जी का सुख, प्रिया जी के सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। राधा चरण कमल को छोड़कर स्वप्न में भी वो कुछ नहीं चाहते। इतना सेवा करने के बावजूद भी मन में यही अभिलाषा रहती है कि हम प्रिया जी को क्या दें, क्या करें। यहाँ तक कि राधा के संबंध में उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता है और उस प्रेम का वे स्वादन करती रहती है। स्वामिनी भी दासी की इसीलिए स्वामिनी दासी पर विश्वास करती है। उतना जितना अपने पर स्नेह है प्रिया जी को, उतना ही स्नेह है अपने दासियों पर। संसार का नियम है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने पर विश्वास करता और किसी पर विश्वास नहीं, शंका बनी रहती है। लेकिन प्रिया जी अपने मंजरियों पर विश्वास करती हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करती हैं। तुलसी मंजरी हमेशा सेवा से जब अलग होती है तो बार बार यही सोचती रहती है कि प्रिया जी हमें कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कब कहेंगे कि तुलसी आओ मेरा पैर दबा। यह शब्द सुनकर के मंजरिया और थकान उनका दूर करती है। ये प्रिया जी की वात्सल्य प्रेम है अपने मंजरियों के प्रति, मंजरियों से कितना प्रेम करती है। अब मंजरियां क्या करती है तो केवल प्रिया जी का चिंतन, भजा मेरा था अरविंद नेत्रा, स्मरा मेरा था मधुर स्मिता श्याम। मंजरियों का एक ही लक्ष्य है प्रिया जी के चरण कमल को देखना, प्रिया जी के नेत्र कमल को देखना, प्रिया जी के मंद मंद मुस्कुरा मधुर मधुर मुस्कान का स्मरण करना। और प्रिया और गाती क्या है मंजरियां, तो बदा मिराधा करुणा भ्राद्रा। प्रिया जी करुणा से जब आदरित हो जाती हैं, उन्हीं कीर्ति को गान करती रहती हैं ये मंजरी लोग। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम प्रिया जी के ही गुणगान गाएंगे, प्रिया जी का ही स्मरण करेंगे, प्रिया जी का ही हम दर्शन करेंगे। प्रिया जी के चरण कमल के अतिरिक्त हमारे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा न हो, बस इसके अतिरिक्त मैं कुछ चाहती हूँ, यही हमारा भजन। जिसका हम भजन कर रहे हैं स्वप्न में भी उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्था में प्रिया जी के चरण कमल का ही स्मरण। भले हम अपने कर्म वशात नरक चले जाएं, कोई गम नहीं, लेकिन हे विधाता प्रिया जी के चरण छोड़ करके हमें दूर मत भेजना। राधा रस सुधा निधि में आचार्य चरण कहते हैं, वैकुंठे नरके थवा मम गति नान्यास्तु राधाम बिना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुरत में राधा पदार्जक छटा। बस सोए हों या जगे हों, सर्वत्र सब समय में प्रिया जी के चरण कमल का स्मरण करें। चाहे मैं अपने कर्म के साथ नरक में चला जाऊं या वैकुंठ में चला जाऊं, प्रिया जी के चरण कमल के अतिरिक्त कुछ भी चाह नहीं। प्रिया जी विचार कर रही हैं, इनके चरण का नूपुर बजता है तो वेदक ध्वनि से भी मधुर मंजरियों को लगता है प्रिया जी का रुंझुन नूपुर बजे। कभी कभी प्रेमावेश में प्रियालाल एक साथ उलझ जाते हैं तो महाराज उस समय सखी मंजरियां ही आकर उनके उलझन को सुलझाती हैं। ये लीला अभिसार हेतु सभी गौरवान। आचार्य चरण कहते हैं कि प्रिया जी अभिसार में जब सभी गमन वेगवती होकर के चल रही हैं, कहा के व्यथित हवे तव श्री चरण। चलते चलते जब आपका चरण दुखने लग जाएगा तो हे देवी राधिके तव श्री मुख कमल श्रम हेतु श्वेत जल करे ढल मल। आप प्रिया जी का रूप का दर्शन कीजिए, कैसा रूप है। चलते चलते उनका पैर थक गया है, उनके मुखमंडल पर श्रम बिंदु उपस्थित हो गया है। लज्जा मूर्ति हैया तुम्हें अलजे प्राय। ये प्रिया जी क्या हैं तो शर्मिली हैं, लजालू चित्त हैं।
तो लज्जा छोड़ करके याद करेंगे किसकी, तुलसी मंजरी की। लज्जा मुर्गी हैया तुम्हें अलज्जेर प्राय स्नेह बस नाम धरी डाकी गया मार। कब वह समय आएगा कि स्नेह भर करके स्नेह में परिपूरित होकर के कहेंगे ये तुलसी आजा आजा हमारी सेवा कर लो। अश्रम दिलुलित तव पाद संवाहन। देखिए जिस सुख के लिए प्यारे श्याम सुंदर भी ललायत रहते हैं कि मैं प्रिया जी के चरण कमल को सम्मान करूं, तो नियो जीवे कब हाय निज जन ज्ञाने। अपना समझ करके हे प्रिया जी, हे स्वामिनी जी, हे लाडली जी, हे विश्वानंदनी जी, ऐसी कब अवसर आएगा कि अपना समझ करके मेरा नाम पुकारेंगे और पुकार करके कहेंगे हे तुलसी तू मेरी सेवा कर। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी से अपना मधुर संबंध याद दिला करके सेवा में नियोजित होने का अभिलाष कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिय जी का विषाद का वर्णन गीत गोविंद में, प्रिय जी विषाद कर रहे हैं। पूर्वं जत्र समं त्वया रतिपते रासादिता सिद्धयः तस्मिन्नेव निकुञ्ज मन्मथ महा तीर्थे पुनर्माधव ध्यायास्त्वां निसंजपन्नपि तवै माला विमन्त्रावलिं भूयस्त्वत्कुचकुम्भनिर्भरपरी रम्भामृतं वाञ्छति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम धाम नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूर्वम जत्र त्वया समम रतिपति सिद्धया, मिल गया ना। कहते हैं कि हे राधे, हे प्रिया जी, माधव ने पहले निकुंज रूपी महातीर्थ में, प्रियालाल का जो निकुंज है वो तीर्थ को भी परम पवित्र बना लिया। वृंदावन क्या है, ये निकुंज स्थल है, प्रियालाल का विहार स्थल। यहाँ पर आने के लिए सब ललायत रहते हैं, जितने भारतवर्ष में तीर्थ है ना, सब चाहता है कि हम वृंदावन आए।
लेकिन वृंदावन में किसी को आने नहीं दिया जाता। साल में केवल एक बार ही सब तीर्थों को प्रवेश किया जाता है, कार्तिक महीना। शास्त्रों में लिखा गया है कि भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। उस तीर्थ राज प्रयाग, ब्रह्मा जी ने सबका राजा बना दिया प्रयाग। जितने तीर्थ भारतवर्ष में बहुत तीर्थ है, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में भारतवर्ष के तीर्थों का वर्णन किया गया, कितना तीर्थ। तो सब तीर्थों का राजा बन गया प्रयाग। तो राजा जो बनता है, और छोटे छोटे राजा लोग, प्रजा उसको टैक्स देती है। तो भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं सब जाते हैं प्रयागराज में अपना टैक्स देने। टैक्स माने जाते हैं ना, अपने तीर्थ में पवित्र होने की जो ताकत है वो थोड़ा थोड़ा पुण्य देता है प्रयागराज। बहुत अधिक पुण्य हो जाता है प्रयागराज, तो सबका पाप खाता है। सब तीर्थ आए लेकिन वृंदावन नहीं है, टैक्स नहीं, क्योंकि वृंदावन को तीर्थ में गणना नहीं। पद्म पुराण में इसको गुप्त वन कहा गया है, मथुरा तीर्थ है लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं। तो मथुरा भी जाता था टैक्स देने, अयोध्या जाता था, सब जाते थे, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। तो राजा को गणना, राजा चिंता भी नहीं करता था, वो जानता भी नहीं था वृंदावन कौन है। लेकिन कोई लव पान पुरुष को क्या कहते हैं, कान भरने वाले चुगलखोर, कोई चुगलखोर आया और कह दिया कि सभी तीर्थ आते हैं वृंदावन नहीं आते, चुगलखोर लोग उसके कान में, तो नहीं आता है, तो नहीं आता, क्यों नहीं आता है और हमको क्या बताओ। तो तीर्थराज गया ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि आपने तो हमको तीर्थों का राजा बनाया और वृंदावन तो आता नहीं है। ब्रह्मा जी कह चुप चुप, वृंदावन का जो मालिक है उससे मैं जाकर पूछ कर बताऊंगा क्यों नहीं आता। तो वो गए भगवान के पास, भगवान से पूछे कि प्रभु मैं तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज को, लेकिन प्रयागराज अरे वृंदावन तो आता नहीं टैक्स देने के लिए। तो भगवान कहे कि तू तीर्थों का राजा है कि हमारे घर का भी तू राजा बन गया? अरे भाई वृंदावन तो हमारा घर है, ठाकुर जी का अपना निजी घर, धाम कहते हैं घर। तो यही यहाँ पर सिद्धि लाभ किए थे, यही कहते पूर्वं जत्र समम त्वया रतिपते रासादिता सिद्धया। श्री कृष्ण ने सिद्धि प्राप्त की थी, निकुंज में भगवान श्री कृष्ण भी प्रिया जी का चिंतन करके सिद्धि प्राप्त की, कृष्ण के पास जो सिद्धि है रासादिता सिद्धया, निकुंज रूपी महातीर्थ में सिद्धि की। तो इस सिद्धि में साधना क्या किए श्री कृष्ण, क्यों से साधना करके सिद्धि प्राप्त की? तो कहते हैं तस्मिन् एव निकुंज मन मथ महातीर्थे पुनर्माधव रतिपते मदनस्य सिद्धयः। मदन का रतिपति का सिद्धि, रतिपति का सिद्धि कैसे मिलेगा? तो त्वया सह आश्लेष्याधिका, श्याम सुंदर ने प्रिया जी का आलिंगन करके, आलिंगन करने से उनको एक अपूर्व पुण्य का उदय,
तो आलिंगन करने से जो उनको शक्ति मिला आशा दिता प्राप्त माधवे ने किसे तस्मिन ने वह निकुंज मनमथ महातीर्थ मनमथ केल सिद्धि क्षेत्र अरे महावाणी में लिखा गया है श्री कृष्ण ने साधना किया क्या था क्या निकुंज में आलिंगन चुंबन नक्षत दंशत संवेशन सितकार विपरीत रति और लोक जो ये साधना करके त्वमेव त्वस्थैव देवतेति तत् साक्षात्कारो लाभाय माधव पुनर्त्वां प्राप्ति कामाय अनिशम निरंतरम ध्यायम हे प्रिया जी उसी रूप का श्याम सुंदर हमेशा ध्यान करते हैं और ध्यान करके क्या करते हैं तो मंत्र जपस तरेण इष्ट देवता नचिरात प्रत्यक्ष भूता भवति इति हृदय में आपके मंगलमय नामों का जप करते हैं ध्यायं त्वाम अनिशम कैसे जप करते हैं एक घंटा दो घंटा तो अनिशम रात दिन आपका नाम जपते हैं ध्यायं त्वाम अनिशम जपन नपितवै मातवाला मंत्रावली श्याम सुंदर प्रिया जी का नाम लेकर के जपते हैं भूय अध्ययन क्या करते हैं भूय स्वत कुछ कुंभ निर्भर परी रंभामृतम वांछति हे प्रिया जी आपके जप करके और आपके कुछ कुंभों के आलिंगन रूपी अमृत मोक्ष की पुनः पुनः अभिलाषा करते एक बार प्रिया जी हमें स्वीकार कर लें इसी का चिंतन करके श्री कृष्ण भजन करते हैं उन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रिया जी चल गए श्री कृष्ण की साधना पूरी हुई तब ये अभिलाष श्री कृष्ण निकुंज महातीर्थ में प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का नाम लेकर ध्यान करते हुए भजन कर रहे हैं तो उन श्री कृष्ण की साधना जब पूरी हो गई तो उनको दर्शन करने के लिए प्रिया जी जा रहे हैं विद्यापति जो पद में लिखे हैं कैसे जा रहे हैं भयानक वर्षा है सांप लटक जाता है अंधेरी रात है वो अपने अपने भक्त के दर्शन कर दर्शन देने के लिए किया गया गति सुख सारे गतम बिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितम दिन गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम वो श्री कृष्ण है कहाँ धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बन माली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुग सारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अभिसारिका नायिका का वर्णन उज्ज्वल नीलमणि में और साहित्य दर्पण में वर्णन किया गया है अभिसारिका नायिका के विषय अभिसाराय पार्थ्यते अभिसारिका लक्षणम जथा अभिसार्यते कांतम जा मनमथ वंश बता स्वयं प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के इच्छा पूरा करने के लिए धीरा रुकता अभिसारिका बनकर के जा रहे तो हे पीतम्बिनी हे निविड़ नितिम्बवती रति सुख सारे तौर जत सुखम तस्य सारम जत सादृश्य अभिसारे संकेत स्थान गता आप संकेत स्थान पर जाते हैं प्राप्ता भी इत्यर्थ प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के उद्देश्य से मदन मनोहर वेशो मदेन मदनेन प्रेमना मनोहर वेशो जस्य तादृश तम हृदय प्राण बल्लभ अनुसर गमन अविलंबम गमन विलंबम न करो अब जाने में देर मत करो प्रिया जी जाने में देर कर रहे धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि इधर नितंब भारी है और स्तन भारी है और इतना तीव्र गति से चलती हैं कि चलने में कहीं उनका पतली कमर टूट न जाए तो धीरे धीरे चल रही है खिन्नस अनुसरणे विलंबो न झुकता इसलिए हे बनवारी श्री कृष्ण
इस समय धीर समीर पर अपने मधुर मुस्कान के द्वारा वेणु के द्वारा आपके नामों का संबोधन करके पुकार रहे हैं। इसलिए हे विश्वभानुनंदिनी, हे विश्वभानुनंदिनी, अब देरी मत करो, अभिशाप करो, चलो। रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम नकुरु नितम निगमन विलंबन मनुसर तम हृदयेशम। तम हृदयेश्वरम अनुसर, आपके हृदय का ईश्वर बुला रहा है, अब आप देर मत करो, चल दो। अभिसरण करने के लिए अब तक देर मत। प्रिया जी महाराज, वो श्री कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं? नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवे बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलितम पिरेयु धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने बन माली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुग सारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। नाम समेतम, नामना समेतम जथा स्याद। बंसी में भगवान कुछ बोलते नहीं है, राधा राधा बोलते, बंसी केवल प्रिया जी का नाम लेती और कुछ बजती नहीं। आपका नाम ले रहे, कृत संकेतनम कृतम इति सर्वांग सुंदरी मृदुम कोमल भया भया देवम वेणु वाद्यते ते तव तनु संगत पवन चलितम अभी अधिकम नहीं। प्रिया जी के श्री अंग का स्पर्श करके हवा भी आता है। बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलित मेनु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे श्याम सुंदर भी इतना तन्मय होकर के आपका चिंतन करते हैं, संकेत कुंज में बैठ करके प्रिया जी के रूप गुणों का स्मरण करते हैं। उस समय यदि हवा भी चलता है तो कुंज से बाहर आते हैं कि प्रिया जी आ गई क्या। पत्ता भी जब आवाज करता है चलते तो उसको उठ करके पतति पतत्र विचलति पत्र संकित भवतुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पन्थानम धीर समीरे जमुना तीरे बसति वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुगसाली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखरम धीरम त्यज मंजीरम रिपुमेव केलि सुलोलम चल सखि कुंजम सतिमीर कुंजम श्रीलय नील
नीलनिचोलम वीर समीर यमुना तीर बसति वने मदन मारी गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युग सारी। हे प्रिया जी, आप जब चलती है ना तो आपका पैर का नुपुर बजता है, ये दुश्मन का काम कर रहा है, इसको निकाल कर फेंक दीजिए। चलते समय झंकार हो रहा है, कोई सुन लेगा, मुखर हो गया है। मुखर मधीरम त्यज मंजीरम रिपु मेव केली सुलो, एक रिपु का काम कर रहा है, बज रहा है ना। क्या करे तो चल सखी कुंजम सती मीर पूंजम शेलय नील निचोल। प्यारी जी चलिए कहाँ, तो तिमिर सतिमिर कुंजम जो घना अंधेरा कुंज है उसमें चलिए, वहां प्यारे श्याम सुंदर आपका इंतजार करते हैं। वहां जाकर क्या करें तो उरस मुरारे रूप हित हारे गनए वतरल पलाके तड़ी दीव पीते रति विपरीते राजसी सकृत विपाके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हे विद्युत के समान पीत वर्णी श्रृंगार है, हे प्रिया जी, हे लाडली जी, अपने कृत पुण्य के परिणाम स्वरूप विपरीत रति के द्वारा श्री कृष्ण के हृदय का हार बनना और उनके वक्षस्थल पर वैसे ही सुशोभित हो जैसे आकाश में बक पंक्ति बकुला का पंक्ति हार जैसा बन जाता है। उरस मुरारे रूप हित हारे घन इव तरल पलाके तड़ी दीव पीते रति विपरीते राजसी सकृत विपाके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। विगलित वसनम परिहृत रसनम घटय जगनम पिधानम जिस लय शयने पंकज नयने निधि मिव हर्ष निधानम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम